हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं परमजीत दोबारा सिंगल डिजिट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो एसएससी सीजीएल 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। एसएससी सीजीएल 2017 के जो पेपर्स हैं, जो सीजीएल के टायर वन में आए थे, 5 अगस्त से जहाँ तक पेपर चले, हम हर पेपर को डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसका मैथ का पार्ट मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, उसके बाद हम 2016 और फिर कुछ मेंस के पेपर डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में जब हम आज पहला पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 5 अगस्त 2017 को स्लॉट वन का पेपर आया था। देखिए, एसएससी में जो सबसे ज़्यादा वेटेज दी जाती है, सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस की जाती है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही की जाती है, और इसी से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज होगी, ये उन दोनों बच्चों के लिए लाभदायक होगी जो अपना सिलेबस ख़त्म भी कर चुके हैं, उनके लिए तो पूरी बेनिफिशियल रहेगी ही। और जिनका सिलेबस अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, जो अपना सिलेबस अभी रास्ते में है या आधा हुआ है, 1/4 हुआ है, उनके लिए भी ये पूरी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद उसकी ट्रिक बताऊंगा जो हम एग्जाम में लगा सकते थे, टाइम बचा सकते थे। तो क्या होगा, जब हम 20 से 25 या 30 क्वेश्चन पेपर कर चुके होंगे डेली यहाँ पर, तो आपका लगेगा कि यहाँ 60-70% ऑफ सिलेबस यहीं ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि एक पेपर में एक टाइप आएगा, अगले पेपर में उसी चैप्टर का दूसरा टाइप आएगा, उसी अगले पेपर में उसी चैप्टर का तीसरा टाइप आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइप्स हर चैप्टर के हम यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। ऐसे जैसे आज हम एक पेपर कर रहे हैं, कल एक और करेंगे, परसों फिर नया पेपर करेंगे, इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। हर रोज़ आपको एक नए पेपर की सीरीज मिलेगी। तो आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 5 अगस्त 2017 स्लॉट वन में ये पेपर आया था, इसका पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, इंग्लिश में क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हिंदी में क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यदि एक्स तथा वाई एक संख्या दे रखी है, 3, 4, 7 एक्स और वाई, इसमें एक्स और वाई दो अंक इस प्रकार से हैं कि ये संख्या 80 से जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है। इसमें एक्स और वाई इस प्रकार से हैं कि ये संख्या 80 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है। क्वेश्चन में पूछता है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या हमें दी हुई है 3, 4, 7 XY, और ये संख्या 80 से पूरी तरह से भाग हो जाती है। द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 80। तो आपको बताना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए, हमने बी में जब भी हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स में हम पढ़ते हैं तो पता करते हैं कि कौन सा नंबर 2 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 4 से होगा, और ये 11-12 तक हम ये नंबर सीखते हैं। वीडियो के लास्ट में कंप्लीट डिविजिबल रूल भी आपको बता दूंगा। तो 80 से भाग होने वाली कौन सी संख्या 80 से भाग होगी। देखिए, 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 को 8 × 10 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। मतलब कोई भी संख्या 10 से कब भाग होती है, ये संख्या 8 से और 10 से दोनों से भाग होगी, और कोई भी संख्या 10 से कब भाग होती है, जब उसके लास्ट में 0 होगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता लग रही है कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 ही होगी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। देखिए, कोई संख्या जब 4 से कब डिवाइड होती है और 8 से कब डिवाइड होती है, मैं बताता हूँ। किसी भी संख्या को जब 8 से डिवाइड करना होता है तो उसकी जो लास्ट की 3 टर्म है वो 8 से पूरी तरह भाग होने चाहिए। अगर लास्ट की 3 टर्म, लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से पूरी तरह भाग हो रही हैं, तो वो नंबर कंप्लीटली 8 से भाग हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। 8 का पहाड़ा लेंगे तो कितने बजाएगा, 8 × 72, यहां पर क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए, है कि नहीं, छोटा नंबर। अगर यहां पर 2 है, लास्ट में 0 है, तो चलेगा। अब ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाग हो रही हैं, तो ये नंबर भी कंप्लीटली किससे भाग हो रहा है, 8 से भाग हो रहा है। 10 से भी भाग हो रहा है, क्योंकि लास्ट में एक डिजिट 0 है। तो x की वैल्यू क्या बन गई, 2, और y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 + 0 = 2, द करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगना था। हमें पता होना चाहिए कि 8 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है, जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। मैं तुरंत भाग दूंगा, 80 दिख रहा है, लास्ट में 0 तो होनी चाहिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं सारे डिविजिबल रूल एक बार आपको बता दूंगा कि कौन सी संख्या किससे भाग होगी, ये कैसे पता करें, या रिमाइंडर को बहुत जल्दी कैसे पता करें। अभी हम फिलहाल चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, वो टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। हिंदी में क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में, 24 दिन में और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने काम करना शुरू किया, 4 दिन तक ए उनके साथ काम करता, उसके बाद ये काम करना छोड़ देता है।
तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने काम शुरू किया और 4 दिन तक उनके साथ काम किया, बी ने काम खत्म होने के पहले 6 दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पूरा कार्य होने में कितने दिन लगे होंगे, सी ने बाकी जो काम बचा वो सी ने अकेले ने किया और पूरा कार्य खत्म होने में कितना टाइम लगा होगा। देखिए एक टेबल बनाते हैं, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में कर लेता है, बी उस काम को कितने दिन में करा, 24 दिन में, और सी उसको कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब टोटल वर्क मान लेते हैं हम, एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 120 हो गया। भाई 20 24 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, आप साइड में लेके देख लेना। ठीक है, 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 6। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 120 टोटल काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। 24 है, 24 को 120 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 5 आ गया, और सी का एक दिन का काम आ गया 4। टोटल वर्क है, मैं लिख देता हूँ, टोटल वर्क कितना है, 120 है। अब क्वेश्चन ने साफ साफ लैंग्वेज में बोला है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु 4 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, मतलब ए ने 4 दिन तो काम किया है। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, 4 दिन काम किया है तो कितना काम किया होगा, 6 × 4 24 काम किया होगा, मतलब ए ने 24 काम किया, तो टोटल काम कितना बच गया, 6 या कितना बच गया, 9। ठीक है, ए ने अपने हिस्से का काम कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि बी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया था। अगर बी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया तो उन 6 दिनों में कौन बच गया था, काम जो काम कर रहा था, सी ही तो काम कर रहा था, मतलब लास्ट के 6 दिन किसने काम किया है, सी ने काम किया है। तो सी ने अगर 6 दिन काम किया है तो एक दिन में 4 काम करता था, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 24 काम करेगा। देखो ये काम ए ने किया है 4 दिन में, ठीक है, अब सी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में, 24 काम करेगा, तो कितना काम बच गया, 2, 7। ठीक है जी, अब ये जो काम बच गया 72, ये 72 जो काम बच गया ये बी और सी ने मिलकर किया होगा। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम करेंगे, और 72 काम खत्म करना है तो कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। मतलब क्या है, बी और सी ने मिलकर 8 दिन काम किया है, उसके बाद जो 6 दिन अकेले सी ने काम किया है, और स्टार्टिंग में इनके साथ मिलके ए ने भी 4 दिन काम किया था। अब देखिए बी और सी ने 8 दिन काम किया है, सी ने उसके बाद अकेले 6 दिन काम किया है, तो कितने काम हो गया, 14 काम, 14 दिन में काम हो गया। इसी बीच ए ने भी उनके साथ 4 दिन काम किया था, तो ए ने 4 दिन काम किया था, वो इनके साथ किया था, तो अलग से उसके दिन को नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 14 दिन में। समझ गए, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, यहां तक बैठे रहे। ए ने 4 दिन काम किया है तो 24 काम खत्म हो गया, टोटल काम हमारे पास कितना बच गया, 96 यूनिट काम बच गया। अब देखो वो कह रहा है कि सी ने लास्ट के 6 दिन काम किया है अकेले, या बी ने काम 6 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी को अगर हम अगले 6 दिन काम करवा लेते तो भाई बी एक दिन में 5 काम करा तो अगले 6 दिन और काम करवा लेते तो कितना काम कर देता, 30 काम और कर देता, 30 काम और कर देता तो 30 काम बढ़ गया ना, 6 कितना काम हो गया, टोटल 126 काम हो गया। अब मैं बी और सी को इकट्ठे बिठा सकता हूँ, ठीक है ना, अब बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 9, तो 9 से हम इसको भाग करेंगे, कितना गया, 36 आ गया ना, 14 डेज। इज दैट क्लियर, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखिए हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट जो नए बच्चे हैं उनको समझ में ना आए, उसके लिए वो क्लासेस देख सकते हैं, सिंगल डिजिट पर आपको हर पूरा का पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे मिलेगा, कुछ चैप्टर्स अभी मिल जाएंगे, कुछ चैप्टर्स बाद में मिलेंगे, और कोशिश की जाएगी कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आए, बड़े आराम आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
इंग्लिश में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। मान लीजिए ये कोई ठोस गोला है, गोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फीयर। इसको अगर दो भागों में, बराबर भागों में बांटेंगे तो अर्धगोला बन जाएगा साहब, ठीक है। माइंड इट, रेडियस सेम रहेगी, जो इतनी इसकी रेडियस है वही रेडियस इसकी इतनी रहेगी। गोले को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, उसके बाद कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए इसका जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको दो बराबर भागों में बांट देता हूं तो इसके बाद अगर जब मैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसमें कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होगी, या कितनी इंक्रीमेंट होगी, सॉरी परसेंटेज वो नहीं पूछ रहा है। एक बात बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब मैं स्फीयर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूँ, ठीक है ना, टोटल सर्फेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है सर। लेकिन जब मैं हेमिस्फीयर का टोटल सर्फेस एरिया निकालता हूँ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूँ तो वो कितना बनेगा भाई, इसका आधा होगा 2πr² और ये हो जाएगा πr², इसका एरिया भी तो पता होगा ना, πr², तो कितना होता है 3πr², तो एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3πr² और इसका कितना होता है 4πr². तो इसको मैं दो भागों में बांटूंगा तो 3πr² जो दूसरा पार्ट भी कटेगा, ये दो भागों में बटेगा ना, एक नीचे का हो गया ऊपर का, तो उसका भी तो कितना हो जाएगा 3πr², तो टोटल सरफेस एरिया इनका कितना हो जाएगा 6πr² भाई। ओरिजिनली उसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² है, लेकिन अब उसका सरफेस एरिया काटने के बाद कितना हो गया 6πr². वो कह रहा है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 6πr² माइनस 4πr² इज इक्वल टू 2πr². इसको यहां से सोल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, यही तो होगा आंसर। सोल्व करो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, अगर टर्म में उसमें पॉइंट में लिखेंगे तो 3.14 होती है, इनटू r². देखिए यहां पर क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है, इसको रेडियस में कैसे बनाऊंगा 17.5/2 करो, 2×16 बच गया, 1×2×14 तो कितना आ गया 8.75 इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बटे में 100 लिखना है, 2 0 हटाकर, तो 100 लिख लेंगे बच्चों की तरह, वरना 7 से हम डायरेक्ट भी काट देंगे, काटे 7×7 8 बच गया 1 7×2×14 7×5 35 कितना आ गया 1.25। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 481 जो भी आंसर आएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ गए कि भाई ऐसे कोई स्फीयर दे रखा है, अगर उसको मैं दो हिस्सों में काट देता हूँ तो पूछता है कि भाई उनके टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस बनेगा, तो उनके टोटल सरफेस एरिया में हमेशा 2πr² का डिफरेंस बनेगा। इतना आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी भी स्फीयर को लो, उसको दो हिस्सों में काटोगे तो 3πr² और 3πr² टोटल हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना होगा 6πr² माइनस 4πr² हमेशा क्या होगा 2πr², आर हमेशा सेम रहेगा। देखो बराबर भी काटोगे तो रेडियस तो सेम ही रहेगी ना, ये क्या होती है रेडियस होती है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2πr², 2πr में आर की वैल्यू रखेंगे हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आ जाएगा 481.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 34% की छूट के बाद, छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, किसी भी चीज़ को 34% की छूट का मतलब क्या है, कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो कितने की मिल रही है 66 रुपये की मिल रही है, ठीक है ना। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3168 और डिस्काउंट कितना है 34%। कहता कि 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा उस वस्तु का, मार्क प्राइस। देखिए इसके पीछे ना परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुटा है, जब हम परसेंटेज की वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से वो चीज समझ में आएगी। अभी के लिए समझो, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपये की है, उस पर मैं 10% का डिस्काउंट देता हूं तो कितने रुपये की हो जाएगी 90 रुपये की,
₹20 का डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट देता है, तो वो चीज़ कितने की हो जाती, 80 की हो जाती, ठीक है ना। यहाँ पर कोई चीज़ मान लीजिए मार्क प्राइस ₹100 है होता, ठीक है, 34% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस 66 होना चाहिए था। अरे हाँ है ना, सेलिंग प्राइस 66 होना चाहिए था ना, लेकिन वो कह रहा सेलिंग प्राइस 66 नहीं 3168 है। मतलब 66 कितने के बराबर है, 3168 के। इफ 66 इज इक्वल टू 3168 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा, 3168 / 66 × 100, 6 से जाए 11 से भी जाएगा, 11 6 66, 11 2 22, कितना बच गया, 9 बच गया ना, 11 8 88 और 11 8 88, फिर 6 से काटते हैं, 6 4 24, 6 8 48, ठीक है, तो 100 कितने के बराबर आ जाएगा, 4800 के। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 4800 रुपीस, समझ गए। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 4800 रुपये आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर लेते हैं, देखो भाई किसी भी चीज़ पर 34 का डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ 3168 रुपये में पड़ रही है, मतलब 3168 रुपये में पड़ रही है, वो चीज़ कितनी होगी, 66% होगी। तो 3168 को अगर मैं 66 से भाग दे दूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डायरेक्ट वही आएगा, दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है, समझ गए। जो परसेंटेज ख़त्म करना होता है उसको नीचे लिखते हैं, जिस परसेंटेज की फॉर्म में लेके आना होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये परसेंटेज में आपको समझ आएगा, अभी क्वेश्चन अभी भी समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3/7 P = 4/11, क्या हो बोल रहा, पी और क्या होगा रेशियो बताना। आई थिंक इस क्वेश्चन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्या कोई इधर ले आते हैं, पी और क्या का रेशियो बताना है, मतलब पी बाई क्या बताना है, ठीक है ना। तो क्या इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसी फॉर्म में क्या करते हैं, पहले की चौथे से दूसरे की तीसरे से गुणा करते हैं, 4 × 7 / 11 × 3, तो क्या आ जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है, 7 4 28 / 33, तो पी और क्या का रेशियो कितना आ गया, 28:28:33, डेट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंग्लिश में तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हर क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ के बताता हूँ कि 17 परिणामों का औसत 60 है, कोई 17 मेरे पास संख्याएं हैं, अगर उनका मैं एवरेज निकालूंगा तो 60 आ रहा है। 17 परिणामों का औसत 60 है, जो 17 है उनका एवरेज है 60, प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है, जो फर्स्ट 9 है उनका एवरेज कितना है 57 है, और लास्ट के जो 9 हैं उनका एवरेज कितना है 65 है। कहता है 9th टर्म बताओ, ठीक है। देखिए ये तो सबको पता होगा कि एवरेज है तो टोटल कैसे निकालेंगे, अगर 17 परिणामों का औसत 60 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 × 60, पहले का 9 का इसका भी टोटल यही हो जाएगा, 57 × 9 इसका भी टोटल यही हो जाएगा, 65 × 9। तो अगर मैं इसका टोटल कर दूं और इसका टोटल करके ये घटा दूं तो मेरे को 9 डिजिट मिल जाएगी, क्यों मिल जाएगी, देखो मान ले ये 17 नंबर्स हैं, ठीक है, 17 नंबर हैं, यहाँ तक 9 संख्याएं हैं, तो पहली 9 यहाँ तक हो गई, अगली 9 यहाँ तक हो गई, तो ये चीज़ दो बार काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ में आया, ये चीज़ दो बार काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है, यही कारण है जब मैं दोनों का टोटल गिनूंगा तो एक संख्या एक्स्ट्रा आएगी, और वो एक्स्ट्रा कौन सी आएगी, जो दो बार काउंट हुई है, और वो दो बार काउंट कौन सी होगी, बीच वाली, मतलब 9th टर्म दो बार काउंट होगी, तो इसके टोटल में से अगर मैं इसका घटा दूंगा तो मेरे को 9th टर्म मिल जाएगी, बस इसका टोटल कितना आ गया, 1020 आ गया, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 513। होप सो कैलकुलेशन ठीक हो,
585, ठीक है ना, 9545 असील 4, 6 निम 54, 55 56 57 58, ठीक है। तो इनका टोटल कितना हो गया, 1098। 1098 से 1020 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो 78 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, हमेशा बीच वाली टर्म ही बचती है, तो 9 टर्म क्या होगी, 78 होगी, ठीक है। इसके पीछे का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट इसको कैसे सोल्व करना है, इतना लिखना नहीं है, सीधा देखना है, इनकी मल्टीप्लाई ही आपको लिखनी है, इनकी मल्टीप्लाई लिखनी है, घटाना है, डायरेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती और विक्रय मूल्य समान रहता तो नया लाभ क्या होता। देखो जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो मेरी कोशिश रहती है, हम सबकी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं जो बेसिक टर्म होती है उसको क्या मान लूँ, 100 मान लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है। उसके बाद वो कहता है 170% का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना है, 170% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में 170 जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। भाई 100 पे 20% का लाभ होता तो 120 में बिकती, 100 पे 30% का लाभ होता तो 130 में बिकती, 100 पे 170% का लाभ हुआ है तो 270 में बिकेगी, है ना, तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया। अगली बात में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती, कॉस्ट प्राइस में अगर 20% की वृद्धि होती तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता, 120 हो जाता, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता, भाई विक्रय मूल्य 270 ही रहना चाहिए था, नया लाभ प्रतिशत कितना है। हो गया बच्चे वाला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0.5, कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया, 150 रुपये का, ठीक है जी, 150 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो नीचे क्या जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सी पी, सी पी कितना है, 120 रुपये, 3 से 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1/4 कितने के बराबर होता है, 25% के, तो 5/4 कितने के बराबर होगा, 125 के, तो प्रॉफिट परसेंट कितना गया, 125%। ये चीज़ सिखाई थी ना स्टार्टिंग में, परसेंटेज की कुछ वीडियो आएंगे उनमें भी सिखाई जाएगी, 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के, यहाँ पर आ कितना रहा, 5/4, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 125%, ठीक है जी, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वही अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन लिखता हूँ उसके बाद क्वेश्चन का शॉर्टकट भी बताता हूँ। मान लीजिए किसी भी संख्या का 32% है तो उस संख्या का 32% ये हो गया, मान लीजिए संख्या x है, तो कह रहा उस संख्या के 17% से, 17 ही बोल रहा ना, 17% से 120 अधिक है। एक तो चीज़ हो गई, ये इक्वेशन सोल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी, एक चीज़ ये होगी किसी भी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से अधिक है, ठीक है ना, तो कितने परसेंट ज्यादा हो गया, 15% ज्यादा हो गया। भाई मैं कह रहा हूं 100 का 10% कितना हो गया, 110 हो गया, और 100 का 20% कितना हो गया, 100 का 110% 110, 100 का 120% 120, तो 10 अधिक है क्योंकि वो 10% वहां पर बढ़ गया, है ना। तो ये 32% है, ये 17% है क्योंकि ये 15% ज्यादा है, इसलिए तो 120 है, इसका मतलब 15% 120 के इक्वल है। अगर 15% 120 के इक्वल है तो 100% किसने किसके बराबर होगा, 120/15×100, 5 15 5 10 5 5 20, 3 8 24, तो 100% कितना हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। किसी भी संख्या का 32% उसके 17% से ज्यादा ही होगा क्योंकि ये इससे 15% ज्यादा ना, क्यों कितना ज्यादा, 120, तो 15% कितने के बराबर है, 120 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़े प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं ना, नाइन्थ क्वेश्चन हमारी सीरीज का, बोट एंड स्टीम का ये क्वेश्चन है।
बोट एंड स्टीम का मैं एक अच्छा सा कंसेप्ट बताऊंगा, उसी कंसेप्ट पे आप हर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि पूरी बोट एंड स्टीम का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं रुकेगा, हर क्वेश्चन आपका मिनटों के हिसाब से सोल्व होगा। मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, सेकंड्स में सोल्व हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आगे चलेंगे। बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक बोट होती है एक स्टीम होती है, इसको नाव बोलते हैं और ये धारा। देखिए अगर धारा की दिशा में ही नाव बहेगी तो उसकी चाल ज़्यादा होगी, और अगर धारा के विपरीत नाव जाएगी तो उसकी चाल कम होगी। हमेशा मान लेंगे बोट की चाल एक्स है, अब ये किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करता रहेगा, और स्ट्रीम को हम हमेशा मान लेंगे वाई। ठीक है जी, तो अगर जो नाव है वो धारा के अनुकूल जा रही है, मतलब धारा की दिशा में ही जा रही है, इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, चाल जुड़ जाएगी धारा के अनुकूल। हिंदी में लिख रहा हूँ आज हर बात में, धारा के अनुकूल क्या हो जाएगी चाल, एक्स प्लस वाई हो जाएगी, किलोमीटर पर आर या मीटर पर सेकंड, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सेट करते रहेंगे। और धारा के विपरीत क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। धारा के अनुकूल चाल एक्स प्लस वाई, धारा के विपरीत क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। इस तरह से मान के हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में, भाई टाइम ले रही है 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस आती है, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल, तो कितना टाइम लेगी। ठीक है, प्लस में आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं, तथा 10^1/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, 10^1/2 किलोमीटर मतलब क्या हो गया, 21/2 धारा के अनुकूल जाती है, मतलब चाल क्या होगी, x प्लस वाई होगी। इतना और इतना जाने पर उस टोटल क्रियाकलाप में वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम लेती है। 3 घंटे 15 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 15/60 लिख सकता हूँ, घंटा ही हो जाएगा ये, 1/4 मतलब 4 × 3 = 12 और 1/13 = 4 घंटे लेती है। ठीक है जी, अगली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कि यह 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 12 किलोमीटर जा रही है सर धारा के प्रतिकूल, मतलब चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो x प्लस वाई, यहां पर टाइम लेती है 3 घंटे। ठीक है, तो कहता है शिथिर जल में खड़े हुए पानी में नाव की चाल बताओ, नाव की चाल मतलब क्या बतानी है आपने, एक्स बतानी है। देखिए दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन भले ही देखने में ड्रावी नहीं लग रही है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 13/4 है ना ये। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं, यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, भाई एक टर्म को इक्वल बना लो दूसरी चीज की वैल्यू आ जाएगी, या इतना भी नहीं करना है तो देखिए 1/x - y को मैं क्या मान लूं, ए मान लूं, और 1/x + y को मैं क्या मान लूं, बी मान लूं। एक एक स्टेप में करके दिखा रहा हूं, 1/x - y को मैंने ए माना तो ये कितना हो जाएगा, 15a प्लस में 21/2, 1/x + y को मैंने क्या मानना है, बी, तो ये क्या हो जाएगा, 21/2 बी इज इक्वल टू 13/4। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लो, 4 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 60a प्लस 4 से गुणा करेंगे तो 42b इज इक्वल टू 13। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12x - y मैंने क्या माना, ये तो 12a हो गया प्लस में 14b इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, इसको इक्वल कर लें क्योंकि नाव की चाल निकालनी है, तो इसको इक्वल कर लें, तो इस इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 12a 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 9। इसको मिटा दूं मैं, इक्वेशन पहली भी आ गई और इक्वेशन नंबर दूसरी भी आ गई, काटो। अच्छा 48 आना था क्या,
चलो मैं इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। इक्वेशन क्या थी, 12a प्लस 14b इज इक्वल टू 3, तीन से गुणा करेंगे 36a प्लस 42b इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, काटो, कट गया, कितना आ गया यहाँ पर 24a कितने के बराबर आ गया, 4 के। तो a कितने के बराबर आ गया, 4/24 1/6 के। ए कितने के बराबर आ गया, 1/6 के। ठीक है, अब ए 1/6 के बराबर आया है तो मैं बी निकाल सकता हूँ ए की जगह रख के। तो 36 × 1/6 प्लस 42b इज इक्वल टू 9। तो 6 × 6 = 36, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 42b इज इक्वल टू 9 − 6 = 3। तो बी क्या आ जाएगा, 3/42 क्या आ जाएगा, 1/14। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/14। एक्स माइनस वाई 6, एक्स प्लस वाई 14 आ गया। तो अब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, 2x, x कितना आ गया 10, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। मतलब कि नाव की चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, इतना मानने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सीधा x माइनस वाई और x प्लस वाई की इक्वेशन बनेगी। तो आप सीधा इस टर्म में मान लीजिए ए बी की टर्म में, किसी को यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करना है तो डायरेक्ट एक्स वाई की भी वैल्यू निकल आएगी। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, इस चैप्टर के लेंदी क्वेश्चन में से काउंट होता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ईजी है, इसमें कुछ कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से, कह रहा कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है जी, 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। वो 5% पे ब्याज देता है, कोई कुछ अमाउंट है उसके पास, उसको 5% पे उधार दे देता है। 15 वर्ष बाद जाके देखता है, तो उसे पता चलता है कि जो उसकी राशि है, जो उसका ब्याज बन गया है, वो उधार दी गई राशि से अभी 250 रुपये कम है। ठीक है, तो उधार दी गई राशि कितनी थी, देखिए रेट यहां पर बता रखा 5%, टाइम बता रखा 15 साल 15 ईयर्स, और कह रहा है मान लो प्रिंसिपल कुछ अमाउंट वो पी रुपये दे रहा था, तो जो ब्याज बन रहा है वो पी से 250 रुपये कम बन रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है ना, 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, पी माइनस 250 रुपये। क्वेश्चन में सब कुछ तो गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है, हो गया। तो क्वेश्चन में सब कुछ हमारे पास गिवन है, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, पी माइनस 250, पी इंटू आर टी कितना हो गया, 5 × 15/100। सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करते हैं, 5 × 20 = 100, 5 × 15 = 5×20, तो क्या आ जाएगा, 4p − 25 = 100 होता है इक्वल टू 3p। तो पी कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। तो प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपये प्रिंसिपल था, जिसको 5% पे दिया गया 15 वर्ष बाद। तो पता चला कि 250 रुपये ही कम ब्याज मिला, वरना 250 रुपये और मिल जाता तो मेरे पास कितने पैसे हो जाते हैं, 2000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपये। देखिए आरटी ही परसेंटेज बता देती है, वैसे ये चीज़ आपको वीडियोज़ में बताई जाएंगी डिटेल डिस्कशन में। 15 × 5 कितना होता है, 75 होता है, तो 75% इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता, पी का 75% पी से 250 रुपये कम होगा। वो एक छोटी सी बात, इतना कुछ बड़ा इशू फर्क पड़ता नहीं है, क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व होगा। क्वेश्चन जो है इंडिसेस और सर्ड्स का है, एलजेब्रा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू है 2+√3/2−√3 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस 1/x क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हमें नीचे वर्गमूल दिखाई दे
तो हम हमेशा क्या करेंगे, हर का प्रीमयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। नीचे हम ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो x क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन में 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है। 2 प्लस रूट थ्री से ही मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस रूट थ्री से ही इस इक्वेशन को भाग दे दिया, क्या बन गया 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ये क्या आ गया 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर अपन में 4 माइनस थ्री, ठीक है। ऊपर खोलेंगे, ऊपर क्या बनेगा 4 प्लस तीन प्लस 4 रूट थ्री अपन में 1, जो कि कितने के बराबर आ गया 7 प्लस 4 रूट थ्री के। तो x कितने के इक्वल आ गया, 7 प्लस 4 रूट तीन के बराबर आ गया। निकालना क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स। अगर x 7 प्लस 4 रूट तीन है तो 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 बाई 7 प्लस 4 रूट थ्री। फिर मैंने कहा कि नीचे हम ये चीज करेंगे ही नहीं बर्दाश्त, तो उसको 7 माइनस 4 रूट थ्री से गुणा करेंगे और 7 माइनस 4 रूट थ्री से ही भाग कर लेंगे, क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट थ्री। वही फिर a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो ए स्केयर कितना हो जाएगा 49 माइनस बी स्केयर कितना हुआ 4 चौक 16 थी 48, तो ये कितना आ गया 7 माइनस 4 रूट थ्री अपॉन में 1, डेट इज 7 माइनस 4 रूट थ्री। तो x आ गया था हमारे पास 7 प्लस 4 रूट तीन और 1 बाई एक्स आ गया 7 माइनस 4 रूट तीन। देखो 4 रूट तीन से 4 रूट तीन कट गया, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। इतने महाभारत करने की भी जरूरत नहीं है, यहां तक आ गया था हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई थी 7 प्लस 4 रूट थ्री आ गई थी। देखो यहां से ही स्क्वेयर करके देख लो, 7 का स्क्वेयर कितना होता है 49 और इसका स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वेयर 16, 16 तिया रूट थ्री का स्क्वेयर करेंगे 3, 16 तिया 48, कितने का डिफरेंस है 1 का है, तो हमेशा नीचे 1 ही आएगा क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी यही तो बनाएगा, तो हमेशा नीचे 1 आएगा जब डिफरेंस 1 ही है। तो मैं अगर x 7 प्लस 4 रूट 3 आया है तो 1 बाई एक्स हमेशा 7 माइनस 4 रूट 3 ही होगा, ठीक है। तो 7 प्लस 4 रूट 3 आया है, 1 बाई एक्स 7 माइनस 4 रूट 3 है, मुझे पता है 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कट जाएगा, मैं सीधा आंसर क्या लगा दूंगा 7 प्लस 7 किसके बराबर हो जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहां भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दिख रहा है 2 का स्क्वायर कितना होता 4 और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है रूट तीन, तो 4 माइनस थ्री 1 ही जाएगा। तो नीचे अगर मैं 2 प्लस रूट थ्री से गुणा करूंगा तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा सिर्फ 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां पर क्या लिख देता, x किसके बराबर आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री के होल स्क्वायर के बराबर, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट तीन के, ठीक है। अब x 7 प्लस 4 रूट तीन है, फिर मुझे स्क्वायर से पता चला कि डिफरेंस एक ही है, तो 1 बाई एक्स क्या हो गया 7 माइनस 4 रूट तीन, दोनों को जोड़ना है x प्लस 1 बाई एक्स कट गया, तो 7 प्लस 7 14, दो स्टेप का क्वेश्चन हो जाता है ये। लेकिन ये चीज़ें तब हैं जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की गई हो, थोड़ी सी सिखाई गई हो, मैंने आपको डिटेल भी बताया और जिन्होंने सीख रखा है उनके लिए ये चीज़ भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगेन क्वेश्चन एलजेब्रा से है। क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट टू एक्स प्लस 1 बाई रूट टू एक्स। क्वेश्चन देखने में ऐसा ही लग रहा है, देखो x की वैल्यू दे रखी मुझे क्या 2 प्लस रूट थ्री, निकालनी क्या है रूट टू एक्स की वैल्यू, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा। देखो 2 से गुणा करूँ और अंडर रूट कर दूंगा तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, x को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2x कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट थ्री। मुझे क्या चाहिए अंडर रूट 2x चाहिए, तो अंडर रूट 2x क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट थ्री हो गया। अब ये किस फैक्टर में टूट रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू 1, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो 3 प्लस 1, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है रूट टू एक्स, ठीक है जी। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो रूट टू एक्स मेरे किसके बराबर आ गया रूट थ्री प्लस में 1 के, ये यहाँ पर करना आता है। इसको कैसे करते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 3 प्लस 1 4 प्लस में 2ab 2 इंटू 1 इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा 2 रूट थ्री, इसी का फैक्टर करके तो ये लिखा है, समझ गए। तो रूट टू एक्स कितने के इक्वल आ गया रूट थ्री प्लस 1 के।
अब हमें क्या चाहिए, 1/√2x, 1/√2x क्या हो जाएगा, 1/√3 + 1। मैंने बोला था कि नीचे हम अंडर नहीं रखेंगे तो फिर रैशनलाइजेशन कर लेंगे, हर का प्रीमेकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, √3 - 1, तो क्या हो जाएगा √3 - 1। a + b, a - b क्या होता है, a² - b² √3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 3 - 1, तो √3 - 1/2, समझ गए। √2x √3 + 1, 1/√2x √3 - 1/2, रख दो वैल्यू। √2x कितना, √3 + 1 प्लस में ये कितना है √3 - 1/2, एलसीएम ले लूँ मैं 2, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 + 2 + √3 - 1, हाँ या ना, कितना बन गया 2√3 + √3 कितना हो गया 3√3 + 1, 2 में से 1 गया 1 अपॉन में 2, डेट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, बेसिक सा स्टेप था। अच्छा अब हम यहाँ से भी पता कर लेते कि डायरेक्ट आंसर में नीचे 2 आएगा, कैसे पता कर लेते, देखो 3 का स्क्वेयर कितना है √3 का स्क्वेयर 3, और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे एक क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिस होगी, वो चीज़ें अपने आप दिमाग में फिट हो जाएंगी। आज तो पहला ही पेपर है, हम 2, 3, 4, 50, 60 जितने भी पेपर होंगे लगातार ये सीरीज जारी रहेगी, ठीक है। तो हर चीज़ दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगी। नीचे हमेशा a - b, a + b का फॉर्मूला बनता है, तभी हम पता लगा लेते हैं कि नीचे क्या आ जाएगा a² - b² √3 का स्क्वेयर क्या होगा 3 - 1, तो 3 - 1 = 2, नीचे हमेशा क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर एलजेब्रा से है। देखिए एलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, लगातार तीसरा क्वेश्चन एलजेब्रा से है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब कि 6 नंबर की वेटेज तो 50 में से एलजेब्रा की आ गई अब तक। थर्ड क्वेश्चन एलजेब्रा से है, जो मैं एलजेब्रा क्वेश्चन लिखता हूँ कि x + 1/x अगर 4 दे रखा है तो x³ + 1/x⁶ क्या होगा। अच्छा बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि x + 1/x अगर 4 है तो x² + 1/x² मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ और x³ + 1/x³ भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं x² + 1/x² निकाल लूँ फिर उसका क्यूब करके 6 पे आ जाऊँ, या मैं x³ + 1/x³ निकाल लूँ और फिर स्क्वेयर में जाके 6 में आ जाऊँ, ठीक है जी। देखिए क्यूब में छोटा पड़ेगा, x³ + 1/x³ क्या होता है 4³ - 3×4, ये कितना आ गया 64 - 12 कितने के बराबर आ गया 52 के बराबर आ गया। अब स्क्वेयर कर लेते हैं, x³ + 1/x⁶ यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 का स्क्वेयर - 2, ठीक है जी। 52 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा कर लो, ये 2704 हो जाएगा -2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2702, ठीक है जी। या तो पहले मैं स्क्वेयर निकाल लेता फिर क्यूब में आ जाता तो भी यही आंसर आता, देखो इस तरह से भी कर सकते थे। x² + 1/x² क्या होगा, x + 1/x 4 है तो x² + 1/x² क्या होता है 4 का स्क्वेयर - 2, 16 - 2 = 14। अब यहाँ से x³ में डायरेक्ट निकाल लेता वो कितना होता, देखो x³ कैसे, देखो यहाँ पर भी क्यूब करूँगा यहाँ पर भी क्यूब करूँगा, ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है ना 2³, तो मल्टीप्लाई हो जाती है 3 × 2 = 6 पावर में नहीं मतलब गुणा में, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी अगर 3 है स्क्वेयर करूँगा तो 3² तभी तो यहाँ पर 6 आया, कुछ लोग इस तरह यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो। तो x ये कितना आ जाएगा, अब जैसे 2 से 3 पे जाना है तो 14, मेरे को x² + 1/x² दे रखा तो 14³ - 3×14, अब 14³ कितना होता है, इस तरह से सोल्व करेंगे तो यही आएगा 2702, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन जो इस पेपर में आया है वो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। y दे रखा हमें 2 - x अपॉन में 1 + x, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/y + 1 प्लस 2y + 1 अपॉन में y²-1, और जो ऑप्शंस मेरे सामने हैं वो ऑप्शन हैं कुछ इस तरह से, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 1 + x 2 - x अपॉन में 2x - 1,
वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स अपॉन में वन माइनस टू एक्स, वन प्लस एक्स वन माइनस टू एक्स अपॉन में टू माइनस एक्स। ठीक, तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे को y जो है टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स के इक्वल है, और ये टर्म दे रखी जिसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। एक तरीका कैसे हो सकता है जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, इसको सोल्व करो, जहाँ जहाँ भी वाई है वाई की वैल्यू रखो, तीन चार पेज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, दो पेज का तो आराम से बन जाएगा, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आंसर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, इसको थोड़ा छोटा कैसे करेंगे, देखो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख लूँगा, वाई प्लस वन वाई माइनस वन लिख लूँगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये एक टर्म में आ जाएगा, फिर मैं वाई की वैल्यू रखूँगा तब भी सोल्व हो जाएगा। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जिस तरीके से हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो वाई की वैल्यू हमेशा एक्स पे डिपेंड करेगी, एक्स जितना होगा वाई उसके अकॉर्डिंग वेरी करता रहेगा, एक्स वन है तो वाई की कुछ वैल्यू आएगी, एक्स टू है तो भी वाई की कुछ वैल्यू आएगी। मान लेते हैं एक्स को जीरो मान लेते हैं, लेट एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे जीरो मान लें तो वाई कितना आ जाएगा, टू माइनस जीरो प्लस वन प्लस जीरो क्या आ गया, टू। अगर एक्स जीरो है तो वाई हमेशा उस कंडीशन में क्या होगा, दो होगा, तो वाई की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं रखूँ तो कितना रिजल्ट आना चाहिए, टू प्लस वन प्लस में टू इंटू टू प्लस वन, y की वैल्यू दो है तो दो का स्क्वायर चार माइनस एक, एक बटा तीन, फोर प्लस वन बाई फोर माइनस वन थ्री, इसको मैं लिख लूँ फाइव बाई थ्री, तो वन बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री कितना हो गया, सिक्स बाई थ्री कितना आ गया, टू। ठीक है जी, मतलब कि इस कंडीशन की वैल्यू भी टू आनी चाहिए। अब देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें आंसर दो दे रहा है। देखिए एक्स वाई की वैल्यू हमेशा एक्स पे डिपेंड करेगी, अगर वाई की वैल्यू हम सॉरी एक्स की वैल्यू मैं जीरो मानूंगा तो वाई की वैल्यू हमेशा दो आएगी, तो वाई की वैल्यू दो आएगी, तो वाई की वैल्यू दो रखने पर आंसर क्या आना चाहिए, आंसर दो ही आना चाहिए। सोल्व करके पता चला ना, अब वैल्यू रख लो जहाँ पर आंसर दो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हर जगह रख के देखते हैं, एक्स हमने जीरो माना था तो यहाँ क्या हो गया, वन प्लस जीरो टू माइनस जीरो, टू की जीरो से गुणा करूँगा जीरो माइनस वन, ये कितना आ गया, वन इंटू टू अपॉन में माइनस वन जो कि माइनस टू के बराबर है, गलत। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो दो आना चाहिए था ऑप्शन से। इसमें देखो वन माइनस जीरो टू प्लस जीरो, जीरो माइनस वन कितना आ गया, ये भी नीचे माइनस वन आ जाएगा, आंसर माइनस में आएगा तो ये भी नहीं होगा। अगले पे चले, वन प्लस जीरो टू माइनस जीरो वन माइनस, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो से किसी को भी गुणा करेंगे तो जीरो हो गया, तो वन इंटू टू बाई वन क्या आ जाएगा, टू, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको भी रख के देख लो एक बार, वन प्लस जीरो वन माइनस जीरो टू माइनस जीरो कितना आ गया, वन इंटू में वन अपॉन टू, ये कितना आ गया, वन बाई टू, तो ये भी नहीं होगा आंसर, कितना आना चाहिए दो। तो ऑप्शन में वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिला, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल दे रखा हमें, त्रिभुज दे रखा एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी जो है 50 डिग्री है, एंगल बीएसी मेरे को क्या दे रखा, 50 डिग्री दे रखा है, और कह रहा कि एंगल एबीसी और एसीबी के द्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं, मतलब कि इसका कोई बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर अगर मैं दोनों को खींचूं तो ये पी पॉइंट पर मिलते हैं साहब, इनके द्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, पी बिंदु पर मिलते हैं। तो कह रहा एंगल बीपीसी का मान क्या होगा, एंगल बीपीसी का मान लीजिए थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 90 प्लस 50 बाई 2, प्रूव करके दिखाऊंगा मैं अभी, 90 प्लस 25 जो कितना आ गया, 115 डिग्री। ये एंगल हमेशा 90 में अगर इसका आधा जोड़ दूं तो इनका अगर एंगुलर बाइसेक्टर को जहां पर मिलते हैं वो एंगल हमेशा इतना ही बनेगा, कैसे देखो, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है,
यहाँ से मैं इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से भी इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, किसी पॉइंट पर मिलेंगे पी पर। अगर एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये एंगल बी है, तो ये एंगल कितना हो गया बी बाई टू हो गया, और ये एंगल कितना हो गया सी बाई टू हो गया। ठीक है जी, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितने के बराबर हो गया 180 के। इसको मैं क्या लिख लूँगा, थीटा प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180। और एक चीज़ हमें बचपन से पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर होता है 180 के। यहाँ से ये चीज़ निकाल लो, बी प्लस सी कितने के बराबर होता है 180 बाई माइनस ए, और बी प्लस सी बाई टू कितने के बराबर हो जाएगा, इसको भी दो से भाग करेंगे तो 90 माइनस एक बटा दो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, बी प्लस सी बाई टू की जगह 90 माइनस ए बटा दो लिख लूँ, थीटा प्लस में इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया, इसको उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 90 प्लस में ए बाई टू, थीटा क्या आ जाएगा 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 प्लस में ए बाई टू, हैंस प्रूव्ड। तो जब भी एंगुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ करता हूँ और वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पर जो एंगल बनता है, वो एंगल उसके सामने ये जो एंगल बन रहा है इसका आधा, इस 90 में अगर इसका आधा जोड़ दे तो एंगल मुझे मिल जाएगा थीटा 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस अगर इसका आधा जोड़ दूँ 25 तो 90 प्लस 25 सीधा आंसर क्या आ जाएगा 115। ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं वहाँ ये थ्योरम लागू होती है। अगर ये बाहर की तरफ मिलता तो क्वेश्चन हो जाता 90 माइनस ए बाई टू, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो 90 माइनस ए बाई टू भी मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्या ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। समान त्रिज्या मतलब रेडियस समान है, पी और क्या ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, पी और क्या ऊपर। ठीक है जी, यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा मतलब कॉमन कोड, कॉमन कोड कौन सी होगी, यही तो होगी, कह रहा इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तथा दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी यहां से लेकर और यहां तक, इसकी जो डिस्टेंस है दोनों वृत्तों के, मान लीजिए ये ओ है ये ओ डैश है, ये 40 सेंटीमीटर मेरे को दे रखी है। तो पूछ रहा है इनकी त्रिज्या क्या होगी त्रिभुजों की, दोनों त्रिभुजों की त्रिज्या सेम है तो एक की निकालेंगे तो दूसरों की भी वही होगी। देखिए, जब भी मैं केंद्र से और किसी जीवा पर लंब डालता हूँ, ये लंब होगा क्योंकि इनके बीच की दूरी दे रखी है, लंब डालता हूँ तो उसको हमेशा दो समान भागों में डिवाइड करता है, तो ये 30 से यहाँ तक कितनी बच गई 15, और यहाँ भी कितनी बच गई 15 बच गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दो समान भागों में बांटता तो ये भी 20 होगी और ये भी 20 हो गई। अब देखो रेडियस निकालनी, ये 90 डिग्री पे बांटता है, ये क्या हो गया लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो मुझे क्या निकालना है कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, अगर अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। ट्रिपलेट याद है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, 3 4 5 5 12 13 8 15 17। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, अगर ये 20 है ये 15 है तो ये हमेशा क्या होगी 25 होगी। ठीक है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था, सेकंड से सोल्व हो जाने चाहिए क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन एक मिनट भी ले रहा है तो आपकी तैयारी कम है, आपने टाइम कम दिया है प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सर्कल से ही है, क्वेश्चन नंबर 67। ये कोई कोड दे रखी है हमें पी क्यू, ठीक है ना, ये इस पर टेंजेंट है, मिलके नहीं जा रही है, टेंजेंट वो चीज़ जो सिर्फ टच करके जाती है, मिलके जाती है अंदर से तो वो सीकेंट हो जाती है, इसको पी क्यू बोला है, इसको आर बोला है, ये लाइन है एम एन, ये एंगल एक्स है, ये एंगल 46 है, ये एंगल 40 है,
ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है और ये एंगल एक्स है। तो आपको बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस तरह से जब भी कोई कोण किसी पे टेंजेंट जाती है, जब भी किसी जीवा पे कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो एंगल यहाँ पर बनता है वही एंगल यहाँ पर बनेगा। अगर ये एंगल 40 का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा सर। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये एंगल बढ़ रहा है तो टेंजेंट पे भी यही बनेगा, यहाँ पर 46 है तो वाई भी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और क्योंकि लाइन सीधी है तो सम 180 होना चाहिए, यहाँ पर सम कितना हो रहा, 40 और 40 86, 86 में से अगर 180 में से मैं 86 निकालूंगा तो मेरे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 में से घटा लो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बच गया 7, कितना बच गया 94, ठीक है ना, यही हो गया ना। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 94, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 और इसकी कितनी आ गई। कहो तो मैं इस चीज़ को प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि जब भी कोई कोड खींचते हैं वहाँ से जो टेंजेंट लाइन आती है उसको आप याद ही रख लो, टाइम आने पर मैं प्रूव भी कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जब। तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ बनेगा। मान लीजिए कोई सर्कल है, यहाँ से मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये जो एंगल होता है यहाँ से इस कोण से मैं सर्कल पर कोई भी एंगल बनाऊंगा उस एंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल 90 है, 46 मान लीजिए एक्स है तो ये एंगल भी क्या होएगा, एक्स होएगा। तो अगर ये एंगल 40 है तो ये भी 40 है, ये 46 है तो ये भी 46 है, बीच का कितना बच गया 94, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन त्रिभुज का है, कह रहा है किसी पी क्यू आर में, त्रिभुज मेरे को कोई पी क्यू आर दे रखा है, जो एंगल आर है वो 54 डिग्री है और कहता बिंदु एस से पी क्यू के समद्विभाजक लंब क्यू आर से बिंदु टी पर मिलता। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, पी क्यू पे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एट एस मतलब कि एस पे, मीट्स क्यू आर एट टी, जो क्यू आर को टी पर मिलता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब इस भुजा को दो समान बराबर भागों में बांटता, दो समान भागों में बांटता। कह रहा कि एंगल टी पी आर 46 है, एंगल टी पी आर कौन सा हो गया, टी पी आर, ये जो एंगल दे रखा हमारे को कितना दे रखा, 46 डिग्री दे रखा है। पी क्यू आर का मान बताना है, एंगल पी क्यू आर मान लीजिए एक्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए एक चीज हमने पढ़ी होगी, आइसोसेलेस एंगल मैंने पढ़ा है, आइसोसेलेस एंगल में मैं जब भी मीडियन ड्रॉ करता हूं, मीडियन ड्रॉ करता हूं तो मीडियन सामने वाली भुजा पर क्या पड़ता है, लंब पड़ता है, ये आइसोसेलेस एंगल में, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और मीडियन है तो इसको भी बराबर भागों में बांटेगा और ये तो कॉमन है ही, तो दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांगसम होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये एंगल पूरा अगर 180 होता है तो ये 90 और 90 हो गया, ठीक है जी। तो जब भी आइसोसेलेस एंगल या मतलब समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, आइसोसेलेस में भी हो या समबाहु में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल हमेशा जो मीडियन हम ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री पर आता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये मीडियन है और ये दोनों जो लेंथ हैं ये भी क्या हैं, आपस में बराबर हैं। भाई देखो 90 डिग्री पे भी गिर रहा है, दो समान भागों में भी बांट रहा है, 90 डिग्री पे भी गिर रहा है, दो समान भागों में भी बांट रहा है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्यू टी किसके इक्वल होगी, पी टी के इक्वल होगी। अगर क्यू टी पी टी के इक्वल होगी तो ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी तो कितना होगा, एक्स होगा। समान भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा। अब दिख रहा है मेरे को, देखो ये ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे, पी टी आर देखेंगे, इसमें दो एंगल दे रखे हैं, एक एंगल 46 एक एंगल 54 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा त्रिभुज पी आर टी का। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सामने वाले दोनों एंगल का सम होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 की जीरो हंसी लगी, 5 5 10 100 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 100 डिग्री है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। अब ये एक त्रिभुज बन गया, देखो पी टी क्यू, एक एंगल 100 है, बाकी के दो एंगल कितने होंगे, और बाकी के दो एंगल क्या हैं, बराबर भी हैं। भाई बाकी के दोनों एंगल का सम 80 होना चाहिए और दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो प्रत्येक एंगल कितने का बच गया, 40 40 का बच गया, ये भी 40 ये भी 40, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। क्वेश्चन पूछा क्या था, एंगल पी क्यू टी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कोट ए प्लस टेन बी अपॉन में कोट बी प्लस टेन ए, ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, ऑप्शन मेरे को दे रखे हैं, टेन बी कोट ए, सेकंड ऑप्शन है टेन ए कोट बी, थर्ड ऑप्शन है टेन ए टेन बी, और फोर्थ ऑप्शन है कोट ए कोट बी। ये मल्टीप्लाई में सारे, इतना तो सब समझते ही होंगे। देखो कह रहा है कि इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटे से छोटा करना है और बताना कि इन चारों में से क्या आएगा। तो किसी भी चीज़ को छोटे से छोटा करना होता, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक मेरे को प्रॉब्लम दे रखी उसको छोटा करना होता, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं एक रेशियो में ले आऊँ। यहाँ पर कितने हैं, दो रेशियो, एक चीज़ एक में तो कोट में है और दूसरा कितने में, टेन में है। या तो मैं कोट को टेन में पलट लूँ या टेन को कोट में पलट लूँ, तो सिंपल होती चली जाएंगी चीज़ें। चलो कोट को टेन में पलट लेते हैं। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। कोट थीटा क्या होता है, वन बाई टेन, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, वन बाई टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में कोट बी को क्या लिख लूँगा मैं, वन बाई टेन बी प्लस टेन ए, है ना। देखिए एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, टेन ए, तो क्या बन गया, वन प्लस टेन ए टेन बी। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, टेन बी, ये क्या बन गया, वन प्लस टेन ए टेन बी। पहले की चौथे से गुणा होती है दूसरे की तीसरे से, इससे कट गया तो क्या आ गया, टेन बी बाई टेन ए। अब टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन बी इंटू कोट ए, ठीक है, टेन बी इंटू कोट ए, कहाँ पे है, टेन बी इंटू कोट ए, फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। समझ गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कोट को टेन में पलटना था या टेन को कोट में बदल लेते तो कुछ इसी तरह से ये क्वेश्चन आ जाता। कुछ लोग इसको वैल्यू पुट करके भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे को ए और बी को अलग अलग पुट करना पड़ेगा, अलग अलग पुट करेंगे, और अगर इसमें मैं एक वैल्यू पुट करूंगा तो 45 पुट करूंगा तो सारे ऑप्शन में सेम वैल्यू आएगी। देखिए क्योंकि 10 45 पे भी यही होता है, कोट 45 पे और 10 45 पे दोनों वैल्यू समान होती हैं, सब में सेम आएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं वैल्यू पुट करने के अलावा अगर इस तरह से सोल्व करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए अब तक एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है जो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो। कोशिकेंट ए प्लस कोट ए, इसका होल स्केयर आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, सीकेंट ए प्लस टेन ए बी वन माइनस कोस ए बाई वन प्लस कोस ए सी वन माइनस कोसिकेंट ए अपॉन में वन प्लस कोसिकेंट ए और डी क्या है साइन ए। देखिए वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि एक ही एंगल दिया हुआ ए ए और यहाँ पर भी वैल्यू पुट करें, लेकिन वैल्यू पुट करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, हो सकता है फोर्थ वाला आंसर आ रहा हो तो मेरा बहुत टाइम खराब हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है दिखने में सिंपल क्योंकि कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन बाई साइन लिख सकता हूँ। कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस बाई साइन, भाई साइन ऊपर आ जाएगा नीचे वन बाई कोस बच जाएगा, है ना। देखो सीधा ना लिख के मैं खोल के बताता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई साइन ए प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए बाई साइन ए, कंप्लीट का होल्स क्या, कोई दिक्कत नहीं, साइन ए एलसीएम आ गया तो क्या आ गया, वन प्लस कोस ए, ठीक है कंप्लीट का होल्स क्या, ये क्या आ गया साइन स्क्वेयर ए अपॉन में वन प्लस कोस ए, ठीक है। अब साइन स्क्वेयर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो फॉर्मूला पढ़ा है ना सभी ने, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। तो साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, तो इसको मैं वन माइनस कोस स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ, वन प्लस कोस ए, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, व्हाट डज इट मीन, वन माइनस कोस ए वन प्लस कोस ए अपॉन में वन प्लस कोस ए, ठीक है ना।
कोट क्या बच गया, वन प्लस को से नीचे बचना चाहिए था क्योंकि ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया, वन माइनस कोस ए अपॉन में वन प्लस कोस ए। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, सीधा पलटना था और सोल्व करना था। वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैल्यू उन्हीं क्वेश्चन में पुट करो जिनमें दिख रहा है कि टाइम सेव होगा। अगर क्वेश्चन को मैं सीधा सोल्व कर सकता हूँ तो सीधा सोल्व करूँगा, क्योंकि वैल्यू पुट करने में कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन में वैल्यूज एक जैसी आ जाती है, फिर क्वेश्चन को फिर से सोल्व करना पड़ जाता है। ठीक है ना, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ कोस के थीटा माइनस साइन थीटा अगर 1/4 के इक्वल है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, एक तो क्या कर लूंगा मैं, ऑप्शंस भी लिख लेता हूं। ऑप्शंस कुछ लोगों को ऑप्शन से करने का शौक होता है। ए है -1, बी है 1/2, सी है 1, डी है 3/2। ऑप्शन से भी बता दूंगा, वैसे भी बता देंगे। देखो, कोस के थीटा माइनस साइन थीटा की किसके बराबर दे रखा है, 1/4 के बराबर दे रखा है। मैंने क्या कहा है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको 1:1 में ले आऊँ, और यहाँ तो 1:1 में लेके आना और ज़्यादा ईजी है। कोस के थीटा दे रखा है तो कोस के थीटा को मैं क्या लिख लूँगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख लो सर। 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 है। 4 से मल्टीप्लाई कर लो इधर आके, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इधर जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर मैं साइन थीटा को x मान लूँ, किसी को इस तरह से देखने की आदत है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणा क्या आनी चाहिए, 12, जोड़ कितना आना चाहिए, 4। तो क्या लिख लूँगा मैं, 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 2x प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3। तो x की जगह मैं साइन लिख लूँगा तो 2 साइन थीटा माइनस 1 और 2 साइन थीटा प्लस 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा, -3/2। इसको इग्नोर करेंगे तो 1/2 लेके चलेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इतना भी क्यों करना है। देखिए, साइन की टेबल सबको याद है भाई, साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 और 90 पे 1 होता है। टेबल में कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक यही कर रही है, एक यही कर रही है, मतलब ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली इन दो में से ही होगा। ठीक है, या तो सी 1 होगा, 90 पे होगा, या तो थीटा 90 होगा, या थीटा कितना होगा, 1/2। 1/2 कितने पे होता है, 30 पे। 30 पुट करके देखो, कोस स्क्वायर 30, कोस 30 पे कितना होता है, √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 1/2 क्या आ रहा है, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1/4 प्रूव हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, के बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो डीआई का है। मैं डीआई एक बार बना देता हूँ क्योंकि बार बार मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं, 2012, 2012 कहता कि नीचे दी गई तालिका में, तालिका जो मैंने साइड में बना दी है, नीचे दी गई तालिका में एक महाविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों में, 5 वर्ष 2012, 13, 14, 15, 16, 5 वर्षों में कला विज्ञान वाणिज्य तथा व्यवसाय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इस डीआई से, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2012 से 2016 तक वाणिज्य के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वाणिज्य मतलब कि कॉमर्स, 2012 में कितने थे, 148 थे साहब,
वो कह रहा कि 2016 में, 2016 में कितने थे, 168, कितने की वृद्धि हो गई, 20 की वृद्धि हो गई, पहले कितने थे, 148, तो 20 इंटू 100 बाई 148, ठीक है जी, काट लीजिए इसको, दो चार से कट जाएगा ना, चार पंजे 20, चार ती 12, 13 14, बच गया 2, 7 चौक 28, 500 बाई 37, ये आ जाएगा साहब, अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 13.51, ठीक है। पहला क्वेश्चन डीआई का बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया सबको, देखते ही हर कोई कर लेगा, जो नहीं करेगा यार वो भी समझ जाओ, दोबारा देख लेना, और भी डिटेल में डीआई बताएंगे जब क्लास में आएगी तो उस टाइम भी देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कि 2012 से 2016 तक व्यवसाय के छात्रों की संख्या में वार्षिक सामान्य वृद्धि दर कितनी रही है। भाई 2012 से 2016 तक इंक्रीमेंट हुआ है, अगर उस इंक्रीमेंट का एवरेज निकाले तो वार्षिक सामान्य वृद्धि दर क्या है। ये क्वेश्चन उसी तरह से होगा जैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सोल्व होते थे, भाई वो भी तो हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ अलग इंटरेस्ट होता है, हर साल मतलब कि कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। जिस तरह से एसआई का क्वेश्चन सोल्व होता है उसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए 2012 में कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, वो व्यवसाय, व्यवसाय मतलब कि बिजनेस, कितने बच्चे थे, 32 बच्चे थे, और 2016 तक आते आते कितने हो गए, 48 हो गए, तो कितने का डिफरेंस काट कर लिया, 16 का, भाई 16 का डिफरेंस कर लिया, स्टार्टिंग में 32 थे, तो सामान्य दर पूछ रहा है रेट क्या होगी और टाइम कितना लगा, 1, 2, 3, 4 साल लगे, ठीक है जी, काटने 16 दूनी 32, तो 2, 50 और 4 से अगर मैं इसे काटूंगा, 2, 2, 4, 2, 25, ये कितना आ जाएगा, 12.5, तो रेट कितनी आ जाएगी, 12.5%, तो सामान्य वृद्धि दर कितनी हो जाएगी, 12.5%, अगर एवरेज निकाले तो हर साल 12.5% की दर से बढ़े हैं। यही तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में होता था कि हर साल कुछ ना कुछ परसेंट तो बढ़ता है, वहाँ पर सेम रहता है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर सेम नहीं है, लेकिन एवरेज तो वही निकलती है ना, 12.5% प्रति ईयर, ठीक है ना, प्रति साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता कि कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, कला मतलब कि आर्ट्स पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का वार्षिक औसत विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के वार्षिक औसत का अनुपात क्या है, विज्ञान पढ़ने वाले पहले टोटल करना पड़ेगा, फिर कला और विज्ञान के टोटल स्टूडेंट का या उनके एवरेज का रेशियो बताना, भाई टोटल करो कितना हो जाएगा, 8, 8 और 6, 14, 14 और 4, 18, 18 और 8, 26, 26 और 2, 28, 28 काट का हिस्सा लगी 2, 9 और 2, 11, 11 और 7, 18, 18 और 6, 24, 24 और 5, 29, 29 और 4, 33, तो 8 में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 338 बच्चे पढ़ते हैं, सुनो बस, ठीक है। और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट पूछा है, विज्ञान साइंस पूछा है, इसमें कितने बच्चे, 5 और 3, 8, 5, 5, 10 और 3, 13, 13 और 8, 21, 21 और 1, 22 का 2 का हासिल 2, 16, 2, 18, 18 और 10, 28, 28 और 4, 32, 32 और 10, 42, 44, 44 और 10, 54, 56 और 10, 66, ठीक है। होप सो कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक हो। तो कह रहा कि इनके एवरेज का रेशियो क्या होगा, भाई एवरेज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके भी डिवाइड में 5 आएगा, इसके भी डिवाइड में 5 आएगा, रेशियो निकालेंगे तो कट ही जाना यार, तो मैं क्यों एवरेज निकालूं, मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल लूँगा, रेशियो निकाल लूँगा, रेशियो निकालेंगे काटे, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, बच गया 1, 2 छिक 12, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, डेट विल बी द राइट रेशियो, ठीक है, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का, उसके बाद हम एंड कर देंगे। देखो इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है यार, मैं बता दूंगा कैसे होगा। कह रहा है कि इन चार विषयों के कुल छात्रों की संख्या में, भाई चार विषयों के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, कुल छात्रों की संख्या में गत वर्ष, मतलब कि कुल छात्रों की संख्या में किस वर्ष में गत वर्ष से सबसे अधिक वृद्धि हुई। भाई 2012 में कितने स्टूडेंट थे, फिर 2013 में कितने स्टूडेंट थे, मैं टोटल करूंगा, 2014 में टोटल करूंगा, फिर 2015 में करूंगा, उसके बाद मैं देख लूंगा कि किस में ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ, टोटल निकालना पड़ेगा मुझे हर ईयर का। होप सो सब टोटल निकाल लेंगे,
2012 में कितना टोटल आया, मान लीजिए 2012 में 100 टोटल आ गया, 2013 में मान लेते हैं 150 आ गया, इसमें मान लेते हैं 170 आ गया, इसमें मान लेते हैं 190 आ गया, और इसमें मान लेते हैं 230 आ गया। तो कहता कि किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। अब एक तो डिफरेंस से पता चल जाएगा, लेकिन डिफरेंस से हर बार पता नहीं चलेगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो हर बार क्या चेंज होगा, बेस चेंज होगा। या दिख रहा 50 का डिफरेंस है, या दिख रहा 20 का डिफरेंस है, यहाँ दिख रहा है कितने का, 40 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वैसे सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है, लेकिन हर बार बेस चेंज होगा। 50 इंटू यहाँ पर बेस क्या है, 100 इंटू 100, 50% तो इस तरह से मैं चेक कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से ईयर में पिछले वर्ष के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बढ़े। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके टोटल करके, तो राइट आंसर आएगा 2015। ठीक है सर, इस क्वेश्चन की मतलब आज के क्वेश्चन पेपर हमारा यहीं सोल्व होता है, कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 के 25 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन पेपर कौन सा होगा, स्लॉट नंबर 2, 5 अगस्त का ये अगला स्लॉट हम सोल्व करेंगे। टिल देन, बाय बाय।